तो फ्रेंड्स, बिहार के सभी थाने में भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि डीईओ योग्यता की बात करें तो 12वीं पास, बिहार न्यू भर्ती न्यू रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर, दोस्तों इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, ये कंप्यूटर डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो प्रत्येक थाना में वैकेंसी जो आने वाली थी, तो ये बहुत दिनों से इसका लटकाया जा रहा है। तो इसके बारे में न्यू नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में कुछ पेपर में दिया गया है, न्यू अपडेट है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जो भी लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी लोगों को अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आपको चैनल पर आने के बाद इसको रेड कलर को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे बेल आइकन आएगा, उसको आपको यहाँ पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। और इस चैनल पर आने के बाद वो जो नए नए वैकेंसी जो आई है जो नोटिफिकेशन, उन सबको वीडियो को भी आप देख लीजिएगा कि SCBI में भी कलर का जो भर्ती आया है 8134, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। और इसको जो इसका डेट निकाला गया है बिहार SSC इंटर लेवल का, वो भी देख लीजिएगा कि कब इसका रिजल्ट आने वाला है। और ये रहा आपको जो जनवरी का जो बिहार में जो भर्ती हैं उन सबों का, यहाँ पे मैं एक वीडियो बनाया हूँ, 10 मिनट का लगभग वीडियो है, तो ये भी देख लीजिएगा। और ये ब्लॉक लेवल पर जो वैकेंसी जो आने वाली वो भी देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं जो पेपर में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि बिहार में किस तरह से सिस्टम काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रभात खबर में पेपर में ये दिया गया इसको न्यू अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पटना यहाँ पे 150 करोड़ रुपये जो हो गया 150 करोड़ खर्च फिर भी अधूरा पड़ा है CCTNS। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ इस प्रोजेक्ट की गति सबसे धीमी है। तो आप देख सकते हैं कि और भी राज्य जहाँ पे इसका तेज़ी से काम चल रहा है, जो प्रत्येक थाना में जो डाटा ऑपरेटर की जो भर्ती को लेकर वो जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन बिहार में यहाँ पे देख सकते हो कि प्रभात खबर में यहाँ पे दिया गया है कि बिहार देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ इस प्रोजेक्ट की गति सबसे धीमी है। तो पहले भी मैं इसको नोटिफिकेशन आया था पेपर के माध्यम से, तो मैं आपको बताया था कि कब इसको बारे में जो अपडेट आया था, तो फिर जो अपडेट आया है वो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है इसके बारे में, इस डाटा ऑपरेटर की भर्ती को लेकर, तो वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि राज्य में अपराधी और अपराध पर नज़र रखने के साथ ही अनुसंधान में समुचित सहयोग के लिए CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। ये पूरे आपको बता दूं कि भारत के जो इंडिया को पूरे राज्य में सिस्टम किया जा रहा है प्रत्येक राज्य में, परंतु बिहार यहाँ पे दिया गया, परंतु राज्य में अब तक करीब 150 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी अब तक इसका काम आधा अधूरा ही हुआ है। अब यहाँ पे दिया गया कि अब राज्य ने इसे अप्रैल तक पूरा करने शुरू करने का सशक्त निर्देश संबंधित कंपनी को दे दिया गया है। सशक्त यानी कि जोरों शोर से काम करने के लिए कंपनी को दे दिया गया है। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट को शुरुआत 2014 में ही हुई थी, जो कि अब तक भी नहीं हुआ, परंतु इस देश में सिर्फ बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ अब तक यह पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए कंपनी चयन की जिम्मेवारी बेल्ट्रॉन को सौंप दिया गया है। तो ये बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है, कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब देती है, तो वहाँ पर इसको सौंप दिया गया है क्योंकि जोरों शोरों से काम चल सके। तो अब इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय को ही सौंप दी गई है। तो यहाँ पे आते थे यहाँ पे दिया गया है कि तमाम प्रक्रिया संपन्न करने के बाद मुख्यालय ने इस प्रोजेक्ट को तैयार करने का जिम्मेदार CTS को दी है। नालंदा और पटना में चल रही पायलट प्रोजेक्ट इसके लिए शुरू में 250 करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है। करीब 1.5 साल बीतने के बाद भी इसका काम अभी चल ही रहा है। अब देख सकते कितना ही खर्च होने के बाद भी काम अभी चल ही रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि CCTNS को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अब तक महज 2 जिलों पटना नालंदा में ही शुरू किया गया है। राज्य में जी दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाले कि राज्य में 1064 थानों में करीब 600 थाना में कंप्यूटर तो लग गए हैं, लेकिन इन्हें नेटवर्क से जुड़ने का काम पूरा नहीं हो पाया है, जो ट्रैकिंग वगैरह होता है वो। और यहाँ पे दिया गया कि काम की रफ्तार बेहद धीमी है, सिर्फ
दो जिलों की FIR वर्ष 2016 में ही अब तक ऑनलाइन अपलोड हो चुका है, क्योंकि ये ऐसे सिस्टम होने के बाद जो होता है वो ऑनलाइन पूरा यहाँ पे FIR होगा। तो सिस्टम करने की योजना पूरे देश के राज्य में चल रहा है, तो बिहार में भी धीमा चल रहा है ऐसा काम को लेकर, तो अभी नहीं चला है। तो यहाँ पे दिया गया है कि इसी को लेकर कि 2016 में अब तक की ऑनलाइन अपलोड किया गया है FIR देख सकते हो यहाँ पे कि दो जिलों की FIR वर्ष 2016 में ही अब तक ऑनलाइन अपलोड हो पाया है। तो इन्हें देखा, यहाँ पे दिया गया कि इन्हें देखा भी जा सकता है, कुछ दूसरे जिलों के थानों में भी FIR दर्ज अपलोड किया है, परंतु अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड व ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा समेत अन्य कई सुविधाएं इसके तहत बहाल होनी है, इसको बहाल होनी है जिनका काम नहीं हुआ है। हालांकि ऑनलाइन क्रिमिनल का रिकॉर्ड तैयार करने का काम अलग से शुरू किया गया है, यह कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा, बाद में इसे CCTNS को जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया कि सभी थानों में इसके लिए तमाम जरूरी सामग्री मुहैया कराकर इसे पूरा करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अप्रैल से इसे हर हाल में शुरू करने का निर्देश दिया गया है। तो हो सकता है इसका बहाल जल्दी हो, क्योंकि अप्रैल तक इसका, यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा गया है कि अप्रैल से इसे हर हाल में शुरू करने का निर्देश दिया है। यहाँ पे CCTNS की गहन समीक्षा की गई है, अब इस वर्ष अप्रैल महीने से इसके हर हाल में शुरू करने का निर्देश दिया गया है। काम करने वाली कंपनी को काम में तेजी लाने के लिए कहा गया है, इस पर सरकार की निरंतर नज़र बनी हुई है। तो हो सकता है अप्रैल तक इसका काम करने का शुरू करने का जो निर्देश दिया जाए, तो हो सकता है इसका बहाली जल्द हो सके, और जल्द होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे ही न्यू नोटिफिकेशन न्यू वैकेंसी आता है तो मैं सबसे पहले वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू, बाय बाय।